आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। बड़वानी नगर के वार्ड नंबर 3 के रहवासी पार्षद प्रतिनिधि के साथ पहुंचे कोतवाली, जहां ब्रज विहार कॉलोनी में आए दिन शराबी और सिगरेट पीने वाले लड़कों के द्वारा हुड़दंग करने से परेशान होकर हुड़दंगियों पर कार्रवाई की मांग। बड़वानी नगर के वार्ड नंबर 3 स्थित ब्रज विहार कॉलोनी के रहवासियों ने कोतवाली टीआई विकास कपीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल कोचिंग होने से स्कूली लड़के कॉलोनी स्थित किराना दुकान पर आए दिन भर सिगरेट पीते दिखाई देते हैं। वही शाम को देर रात तक शराब पीकर शराब की बोतल फोड़कर उत्पात मचाते 20 से 40 लड़कों का झुंड आए दिन हथियार लेकर एक दूसरे से झगड़ा करते रहता है, जिससे कॉलोनी में रहना रहवासियों का दुभर हो गया है। शराबी और हथियार लेकर घूमने वालों पर कार्रवाई की मांग। जगदीश यादव, ब्रज विहार कॉलोनी निवासी, यहाँ कोतवाली थाने आए। सर, हम बड़वानी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो गुंडागर्दी और शराब है, सिगरेट है, ऐसा पॉइंट बन रहा है हमारी कॉलोनी में। उससे हम बहुत प्रताड़ित है। सभी कॉलोनी वाले आए हैं, वहाँ पे लड़के जो है कि सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और बाटले फोड़ के चले जाते हैं। हमारा परिवार सहित वहाँ रहना मुश्किल है। और साथ ही सर, अभी एक घंटे पहले की घटना है, एक लड़का और लड़की को बहुत बुरी तरह मंगाए ने पीटा और पीट के चले गए। कौन है, कहाँ से आते, क्या नहीं है, हमको पता नहीं। लड़की और ये कोई मीटर है उनका, हथियार लेकर भी घूमते हैं सर। वो हाथ में फाइले लेके आते हैं और रोड पे ऐसे ठोकते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास फाइले हैं, और बातें भी करते हैं कि वो आगे जाके उधर जाके देखते हैं, वो मिल जाएगा तो उसे आज तो खत्म कर देंगे। क्या आश्वासन मिला कोतवाली? कोतवाली टीआई साहब ने बताया है कि आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, और उन्होंने फोन नंबर भी दिया है कि ऐसी कोई घटना होती दिखे तत्काल उनको फोन किया जाए। कलेक्टर एसडीएम ने सड़क के पेचवर्क के कार्य का किया निरीक्षण। बड़वानी अंजर रोड पर टोल प्लाजा की सड़क पर पेचवर्क का कार्य का कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा एसडीएम श्री घनश्याम धनगर के द्वारा निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने टोल प्लाजा की एमपीआरडीसी की सड़क के पेचवर्क के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपने समक्ष पेचवर्क के कार्य की गुणवत्ता एवं मापदंडों को अपने समक्ष नपवाया। मापदंड एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर एमपीआरडीसी के अधिकारी श्री कमलेश गोले को कार्य में सुधार करने हेतु निर्देश दिया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री चौरासी वर्मा, एसडीएम घनश्याम धनगर, एमपीआरडीसी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के द्वारा सड़क का अभी निरीक्षण किया गया। एमपीआरडीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तरफ से काम चला था, तो उस पर भी हमारी नजर पड़ी। तो मैंने उसकी जो क्वालिटी चेक करने के लिए, मैंने उसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होना चाहिए, कितनी क्वालिटी का वो लग रहा, तो उसकी हमने तक जांच की थी। और ये लगातार हमारे जांच का सिलसिला जारी रहेगा। हम लोगों ने ये प्लान भी किया है, हम लोग जिले में बुधवार को, बुधवार और एक दिन और शनिवार या शुक्रवार को पूरे जिले की टीम को भी हम लोग अलग अलग, चाहे पीडीएस की दुकान हो, चाहे पंचायत के काम हो, चाहे दूसरे काम हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, इन सबकी जांच कराने का मैं प्लान कर रहा हूँ। और अगले वीक से इसको हम लोग प्रभावी रूप से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जिले में भी कहीं कोई अनियमितता है, समस्या है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो लापरवाही करेंगे तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को शासन की भी मंशा है कि फील्ड में पेशावट रहे, लोगों को समस्या ना हो, शासन की योजनाओं का हितग्राहियों को ठीक से लाभ मिले, ये जिला प्रशासन का भी दायित्व है। हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं।